हमारी कोविड में ड्यूटी लगी थी जिसका टाइम पीरियड 10 दिन का था और 7 दिन का क्वारंटाइन था और हमें रहने के लिए सर्किट हाउस में जगह दी गई थी। जब हम ड्यूटी अपनी ड्यूटी खत्म करके निकले थे तो जैसे हम क्वारंटाइन पीरियड शुरू कर रहे थे तो सर्किट हाउस और 2 पुलिस कर्मचारी आके हमें धमकाते हैं कि आपको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। हमने उनसे बात की अगर हम बाई चांस घर में जाते हैं अगर हम पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, या सरकार हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी या सर्किट हाउस वगैरह हमें कुछ मदद करेगी, पर उन्होंने कुछ भी हमारे लिए कुछ नहीं बोला और हमें धमकाने लगे। जब हमने उनसे ये पूछा कि हमारे जो पहले के जो सुरक्षा अधिकारी है वो भी ड्यूटी करके गए तो उन्होंने भी 10 दिन ड्यूटी की और 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड किया, तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की कि हम हमारा होटल है हम जिस चाहे को यहाँ पर रह सकते हैं और जिसको भी निकाल सकते हैं। हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि क्या हम कोई गुनाह करें जो हम कोविड में दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं या उनके साथ खड़े हैं तो उसमें कुछ गलत है सर। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे भी कुछ प्रोवाइड किया गया है सरकार द्वारा या सर्किट हाउस के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि जो कोविड के सिम्टम होते हैं वो 10 से 14 दिन के बाद ही पता लगते हैं, पर होटल वालों के दबाव के कारण हमारे एक सुरक्षा अधिकारी कोविड टेस्ट करवाने चले गए और उनका सामान उनकी बिना इजाजत से उनके रूम से निकाल के बाहर रखवा दिया गया। तो सिर्फ यही जानना चाहते हैं सर्किट हाउस और सरकार से कि अगर हमारे घर में कुछ भी हालत बिगड़ते हैं इस कोविड के चलते तो क्या हमें वो फैसिलिटी देगी या औरों की तरह ही हमें भी यहाँ से निकाल देंगे। बस हमें ये चाहते हैं कि हमें आगे की गाइडलाइन दी जाए और साथ में हम सरकार से भी अपील करेंगे कि हमारे बारे में कुछ सोचें।